नमस्कार, स्वागत है आपका तेरी मेरी रसोई में। आज हम फिर से आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं जिनको हमने धोकर उनका छिलका उतार कर उन्हें रफली कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू, थोड़ा सा फूल गोभी, 1 बड़े साइज का गाजर, 2 बड़े साइज के टमाटर और आधा चुकंदर। और आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। और टमाटर की क्वांटिटी आप अपने भाजी के टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। अब हम इन सारी सब्जियों को एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है कि सब्जियाँ अच्छे से बॉईल हो जाएं। थोड़ा सा नमक, 2 हरी मिर्च और इन सारी चीज़ों को अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। ये देखिए सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं और कलर भी एकदम नेचुरल आया है बीट रूट डालने की वजह से। तो अब हमें भाजी में कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक मैसर की हेल्प से सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मैश करने की प्रोसेस हम कुकर में ही कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में डालते वक्त भी मैश कर सकते हैं। और ये देखिए सारी सब्जियां अच्छे से मैश हो गई हैं और भाजी में एक अच्छा सा रेड कलर आ गया है बीट रूट की वजह से। अब सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और उस पर एक कढ़ाई रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, 2 बड़े चम्मच बटर। हम यहाँ पर ऑयल और बटर दोनों का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो सिर्फ बटर का यूज़ कर सकते हैं और बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और इसको अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए जीरा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और दोनों को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। हमें प्याज और शिमला मिर्च को तब तक भूनना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भून गए हैं। प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है और शिमला मिर्च और प्याज दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी कुछ सेकेंड के लिए हम भून लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे भाजी में कलर बहुत अच्छा आएगा। और 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम लो ही रखना है और इसको 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें। ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा कि हमने सब्जी को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो सब्जियों को मैश करके रखा था वो सब्जियाँ अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम सब्जियों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। अगर इस टाइम पर आपको भाजी गाढ़ी लगती है तो आप इसमें पानी डालकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी मैसी भाजी खाना पसंद है जिसमें सब्जियों के थोड़ा सा भी चंक ना आए तो आप एक मैसर लीजिए और उसकी हेल्प से इसको मैस करते जाइए और साथ में कुक करते जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट वाला कलर आए तो इस टाइम पे आप इसमें 1 पिंच आर्टिफिशियल कलर भी डाल सकते हैं जिससे एकदम मार्केट वाला कलर आ जाएगा। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। ये देखिए हमारी भाजी बनकर तैयार हो गई है। और अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1/2 नींबू का रस और थोड़ा सा हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर 1 से 2 सेकंड तक और कुक करेंगे। और ये देखिए हमारी भाजी बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके लिए पाव तैयार करेंगे। पाव के लिए हम एक तवा लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर और उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया
और जो भाजी बनाकर हमने तैयार की थी थोड़ी सी भाजी, उसकी जगह आप पाव भाजी मसाला भी ले सकते हैं या फिर लहसुन की चटनी भी ले सकते हैं। और उसमें अब हम पाव को डालकर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, इससे हमारी सिंपल सी पाव को भी एक अच्छा सा फ्लेवर मिल जाएगा। ये देखिए हमारी पाव भी बनकर तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम पाव को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, बटर और हरे धनिए के साथ भाजी को गार्निश करेंगे। और ये हमारी आज की स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनकर तैयार है। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।